चरण में कुल 239 उम्मीदवार हैं, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा। घाटी और जम्मू संभाग के 3-3 ये जिले हैं। 15 सीटें कश्मीर की, 11 सीटें जम्मू की। और इस बीच आपको बता दें 239 उम्मीदवारों में 233 पुरुष हैं, 6 महिला प्रत्याशी हैं और 25,78,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, यानी वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर होगा मताधिकार का इस्तेमाल। तो आपको बता दें 25,78,000 मतदाता आज वोट डालेंगे। दूसरे फेज में आज वोटिंग हो रही है जहां कश्मीर की 13 सीटें हैं, जम्मू की 11 सीटें हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें 239 उम्मीदवार हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवार हैं और अगर इन 239 उम्मीदवारों की बात करें तो 200 आज चुनावी मैदान में कई दिग्गज हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला बड़गाम और गांधरबल से एक साथ चुनावी मैदान में। तो वहीं देखिए राजौरी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना किस्मत आजमा रहे हैं। तारिक हमीद सॉल्ट टैंक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं सर्जन अहमद जो हैं वागे वो भी 2 सीट से चुनावी मैदान में है। गांधरबल और वीरवा जो सीट है यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सर्जन अहमद बरकती इन दिनों जेल में बंद हैं। तो किनकी किनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है वो हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला आज 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला बड़गाम और गांधरबल सीट से मैदान में। तो वहीं राजौरी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना अब चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं चुनाव में। तारिक हमीद साल्टैंक से चुनाव लड़ रहे हैं, सर्जन अहमद वागे भी 2 सीटों से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, गांधरबल और बीरवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सर्जन जो है इन दिनों जेल में बंद हैं। तो देखिए 26 विधानसभा सीटों पर, 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है। तैयारियां पूरी हो गई हैं और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। इस मतदान में दूसरे फेज के चुनावी मैदान में कई सियासी दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन दिग्गजों में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजौरी सीट से रविंद्र रैना है, तारिक हमीद साल्टैंक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम श्री बिशनदास गुप्ता है और इनकी एज है 92 साल। इन्होंने आज अपना वोट अपने घर पे ही डाल दिया और हम प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमें हमारा वोट इनका वोट जो डाला था वो घर पे डालने के लिए आ गए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनको तो बहुत खुशी हुई कि पिछली बार तो इन्होंने नाम लिखा था इनका कि घर पे डालेंगे, लेकिन वो आया नहीं था कोई भी डालने के लिए। तो हमने इस बार भी सोचा कि इस बार भी शायद नहीं आए डालने के लिए, लेकिन फिर हमारे बीएलओ साहब ने कुछ ज़्यादा ही कोशिश की है जिसकी वजह से प्रशासन खुद आ गया हमारे घर पे और उनका वोट इधर घर में डाल दिया है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उधमपुर की चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो 85 ईयर प्लस और जो डिसेबल्ड वोटर्स हैं जो पोलिंग स्टेशन में आके अपना मतदान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा जो होम वोटिंग की एक पहल की गई है कि वो अपने घर से ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और पोलिंग पार्टी उनके घर जाके अपना वोट उनका वोट लेती है। और पूरा प्रोसेस बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड है, वीडियोग्राफर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का प्रोसेस इंश्योर किया जाता है। उधमपुर में 115 ऐसे वोटर्स हैं जिनको आज वोटिंग की सुविधा घर पे मिल रही है और हमारी 40 पार्टीज सुबह निकली हैं जो सभी लोगों से वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें अब से थोड़ी देर बाद जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। 6 जिले हैं, 26 सीटें हैं जिन पर दूसरे फेज के तहत आज वोट शुरू होगा, वोट डाली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जहां पर 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और दूसरे चरण के लिए आज मंच तैयार है, यानी दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग होगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। क्या तैयारी है और कौन दे रहा है किसको चुनौती, इस रिपोर्ट में समझिए। घाटी में लोकतंत्र का महापर्व शुरू है। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। जन्नत में हो रहे चुनाव को लेकर जमहूरियत भी पूरे जोश में है।
जिसकी झलक पहले चरण के चुनाव में नजर आ चुकी है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है। आज की बात करें तो 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है। उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। 239 कैंडिडेट में 6 महिलाएं भी दूसरे फेज में मैदान में हैं। आज 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 3,502 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 1,056 शहरी मतदान केंद्र और 2,446 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। मतदान के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत सभी वोटिंग सेंटर्स पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। वहीं पहले चरण की बात करें तो बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले और वोट डालने पहुंचे थे। 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोट डाले गए। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कुल 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% वोट पड़े और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में विधानसभा चुनाव है, यानी इसके बाद आखिरी चरण के लिए मतदान होंगे जो 1 अक्टूबर को है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करते हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, तो वहीं गोहाना में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री। बताया जा रहा है कि 22 विधानसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज चुनावी सभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां चुनावी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। आज हरियाणा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का आज सौभाग्य मिलेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार को लेकर आज हरियाणा दौरे पर हैं। गोहाना में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, प्राप्त करने का सौभाग्य मिलने वाला है। यानी 22 विधानसभा के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जो हैं इस रैली में आने वाले हैं। इनमें से 9 विधानसभा रोहतक की, 9 विधानसभा सोनीपत की और 4 विधानसभा पानीपत की है। बेहद खास ये दिन है और इन सभी विधानसभा सीटों को एक साथ प्रधानमंत्री साधने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रैली गोहाना में, प्रधानमंत्री आज हरियाणा दौरे पर हैं।